Hello students, how are you? In previous video, we have discussed question number 1, 2, 3 of lesson 5 of 6. Fourth question is true, false. Today, we will discuss question number 5, 6 and 7. Question number 5 is, why do you think the introduction of public interest regulation, PII, in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि 1980 के अंदर जो PIL इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980 के अंदर शुरू की गई थी उसके द्वारा जो है वो सभी को इंसाफ तक पहुंच मिल सकती है? आंसर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द 1980 इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन एंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस इन ऑल बिकॉज इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि PIL के द्वारा कोई भी व्यक्ति या संस्था फाइल ए PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट में PIL फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, उसके बिहाफ पर जिसके अधिकारों की उल्लंघना हो रही हो उसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL कोई भी संस्था दायर कर सकती है। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, PIL दायर करने की जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत साधारण है। एंड इवन इन लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज ए PIL। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कोई भी पत्र या टेलीग्राम जो है उसके द्वारा जो अपील की जानी को ही PIL जो है वो माना जा सकता है। राइट ए स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में देरी मीन्स इंसाफ का कत्ल, उसके आधार पर एक कहानी लिखें। 43 मेंबर्स ऑफ हाशिमपुरा मेरठ किल्ड ऑन 22 मई 1987। 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा के अंदर 43 मेंबर्स जो है उनकी डेथ हो गई, मारा गया उनको। These families have been seeking justice for over 20 years. तो उनके परिवार जो है 20 सालों से न्याय के लिए जूझ रहे हैं। Due to long delay in Supreme Court में बहुत लंबी देरी के कारण in September 2002 transferred the case from the state of Uttar Pradesh to Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने 2002 सितंबर में इस केस को उत्तर प्रदेश सरकार स्टेट से राज्य से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। द ट्रायल इज गोइंग ऑन गोइंग एंड 19 प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी फुल फॉर्म ऑफ PSC प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी मैन, तो इस ट्रायल के अंदर जो थे 19 आदमी जो थे आर फेसिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, उनको अपराधों के अंदर फॉर एलिट मर्डर एंड अदर ऑफेंसेस जो है वो मर्डर केस के अंदर और दूसरे अपराधों के अंदर जो है वो अपराधी जो है वो उसके तौर पर ट्रायल पर लिया गया 19 पर्सन को। बाय 2007 ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, 2007 तक केवल 3 गवाह जो थे विटनेस जो थे हैज बीन एग्जामिन, उनको एग्जामिन किया गया था। इन दिस प्रोसेस मैनी ईयर्स, तो इस प्रक्रिया में 87 से लेकर 2007 तक जो इतना लंबा समय था इसी के कारण वर वेस्टेड, सो जो इतने साल वेस्ट हुए वी कैन से जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, हम ये कह सकते हैं कि इंसाफ में देरी मीन्स इंसाफ का कत्ल। नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एक्विट टू अपील, कंपनसेशन, एविक्शन, वायलेशन। फर्स्ट इज एक्विट, द सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड द सुभाष, एक्विट तक बरी करना, सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष को बरी कर दिया। टू अपील इन सुधा मर्डर केस, सुधा मर्डर केस के अंदर द 3 अक्यूज्ड वेंट टू द हाई कोर्ट, तीनों जो थे अपराधी जो थे हाई कोर्ट में गए टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील करने के लिए सुधा केस के मामले में तीनों दोषी जो थे हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की। कंपनसेशन होता है मुआवजे के तौर पर जो मुआवजा देना, कंपनसेशन इज गिवन टू ए पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी जो है
वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली जाती है, उसके बदले में जो उस पर्सन को मुआवजा दिया जाता है उसको कंपनसेशन कहते हैं। अविक्शन मीन बेदखल करना, द अविक्शन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए पेमेंट और स्लम विल इनएविटेबली लेड टू द डेफिनेशन ऑफ द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। किसी भी पर्सन को या झुग्गी झोंपड़ी वाली है या जो उसके पटरी पर रहने वालों को वहां से बेदखल करना मीन्स उसके आजीविका के साधनों से बेदखल करना है। वायलेशन भी उल्लंघना, इन इंडिया ए सिटीजन कैन बी पुनिश ओनली फॉर ए वायलेशन ऑफ लॉ। भारत के अंदर किसी भी पर्सन को अगर वो कानून की उल्लंघना करता है तभी उसको पुनिश किया जा सकता है। ये पर्सन जो थे 7.1-7 पर्सन लेसन 5 के, आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।